Hello everyone, welcome back to our channel. This is me, Iman, and Mosa. And you're watching Newsviews and Updates. और आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं वो है वर्ड ऑफ डांस की वीडियो जो कि हम लोगों ने एक दो दिन पहले ही देखी है द किंग की फाइनल राउंड की और उनकी परफॉर्मेंस उसमें बहुत अच्छी रही है बहुत अच्छी बहुत मतलब, बहुत हमें मजा आया था काफी हम काफी ज्यादा सरप्राइज हुए थे उनकी मतलब एनर्जेटिक फील करना शुरू हो गए थे हम लोग और आज जो हैवनी की वीडियो पे हमें काफी ज्यादा कहा जा रहा था तत्तर तत्तर पर आप तो करें तो आज की वीडियो आपको पता ही चल गया और कौन सी है द किंग जजेस अवे विद Tattad Tattad word of dance 2019 full performance तो चलिए हम भी जाकर देखते हैं Tattad Tattad full performance लेकिन उससे पहले आप इनके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और चैनल के जो है ओरिजिनल लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब देखते हैं सो लेट्स स्टार्ट हां कैसे ऐसे नहीं कैसे ऐसे लेट्स स्टार्ट एंड वॉच द वीडियो कुछ इस टाइप के ना And you came out here and you did a very different type of routine today. To me, that had a little bit less dancing, more formations, a little bit more fun, a little bit more humor. You know what I love? It was just enough comedy. Pieces here and there, and it made sense. Like they fell where they were supposed to fall. Which I really, really loved. I was concerned at the beginning. I was like, okay, when is this kicking in? She's right. At the beginning, it was almost like too much musicality. It was like, I was waiting for it to get going, and when it did, it just blew us away. It was insane. Oh, you made a transformer on stage. What the heck? That was insane. How many guys were you carrying on your back? 1, 2, 3, 4. Did you see that? That's like 500 pounds. And then I really did not think, honestly, that you were going to stick that last thing. When he rolled up in the end, I was like, oh! Man, that flip that you did, with the legs, I don't even know what it was. I was like, that was crazy. Bollywood dubstep and robotics is what you guys told me this was in the mentoring. And yeah, caught all that. Mm-hmm. I can't compare it to anybody else because you so do your own thing. And it just looks different. It feels different. It has a different kind of excitement. Like, I get very excited when I watch the Latin dancers and the salsa because that's in my blood. Bollywood must be in my blood because every time I see it, I'm like, yeah! This is why World of Dance is so amazing. It's so cultural. And we get to see the flavors from all over the world. Like, this is hip-hop. Thank you so much. All right, guys, we're going to lock in your scores and see where you land on the leaderboard, okay? So much musicality. I'm nuts.
Kings, let's get your scores. हमने इसे पहले जो देखी थी वो तो एनर्जेटिक थी ही थी, लेकिन ये उससे ज्यादा मुझे मजा आया देखने का, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा मिक्स किया हुआ था डांस को और रोबोटिक डांस को ना. हाँ, मतलब बेसिकली मेरे को रोबोट्स ही बने हुए थे और खासतौर पर, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, बोलो ना जो भी बोलो. मुझे वो वहां से बहुत अच्छा लगा जहाँ पे वो तीन चार लोगों से कमर पे आगे चढ़ जाते हैं और पीछे उसके टांगे बन जाती हैं रोबोट्स की. हाँ, बिल्कुल. और इसके अलावा ना जो जिस तरीके से वो मतलब डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन यूज की गई है डांस में, और यू नो बहुत एक मतलब एनर्जेटिक सी वाइब्स आती हैं. बिल्कुल, खासतौर पर स्टार्टिंग की बात करें जहाँ पे वो भागा हुआ आता है वो उसकी टांगों से लेके आएंगे. लेकिन वो जब दोबारा चाल के ऊपर फेंकते ना, मैं वहां पे बहुत शौक हुआ. मुझे ये चीजें वैसे बहुत मजे की भी लगती हैं देखने में भी, और मतलब मेरा भी दिल करता है ऐसे करने को ना, अच्छा लगेगा. अगर आपकी बात तो निकल जाए ना जितनी आप कमजोर है. नहीं, मतलब ये कि उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ऐसे थोड़ा होता है कि उठ के अभी अगर मेरी बात निकल जानी तो भाई साहब आप भी उनसे. लेकिन मुझे तो शौक नहीं है, मैंने कहा नहीं, आप अपनी बात करें. हाँ, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि मुझे डांस सीखना बहुत पसंद है, और मुझे डांस अच्छा भी बहुत ज्यादा लगता है. और ये बात ये कि मौजम को भी बहुत पसंद है डांस करना, और ये भी बहुत मुझसे किया नहीं जाता, डांस नहीं कर सकता, मौसम से खिला नहीं जाता. अब आकर क्योंकि मौसम हेल्थी हो गया ना. एनीवे, हम वीडियो की तरफ आते हैं. वीडियो नो डाउट बहुत अच्छी थी, डांस बहुत अच्छा था, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा डांस की एक वैरायटी है, डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो मतलब वो एक जो फ्यूजन बन जाता है ना, तो मुझे लगता है वो और ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाता है, और मुझे लगता है कि फॉरेनर्स को वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें क्योंकि उनकी शायद नहीं होती हैं. हाँ, मे बी वो इंटरेस्टिंग लगती है. लेकिन फिर भी अगर देखा जाए बॉलीवुड काफी मशहूर है, वो डांस देखते रहते होंगे इस तरह का, लेकिन एक टीवी पे देखना और उनके सामने आके लाइव करना तो काफी फर्क आ जाता है. आपकी शायद जैसे ऐसी परफॉर्मेंसेस होती है ना, मुझे लगता है आपकी ना आंखों को यकीन नहीं आता कि ये हमारे सामने हो रहा है कि लोग ऐसे उछल रहे हैं ऊपर से, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं ना, इसी तरह. लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बोलूंगी, जब हम लोगों ने लास्ट टाइम फिर इनकी एक वीडियो पर अपने व्यूज दिए थे, तो हमें कॉमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप डांस प्लस देखें और डिफरेंट डिफरेंट लाइक डांस शोज हैं वो देखें, उनमें इससे भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं. तो मैं ये बोलूंगी कि क्योंकि मुझसे मैं ये चीज नहीं कर सकती, जो लोग एग्जीक्यूट करते हैं उनको ऑन टाइम करते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज होती है कि आई मीन जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं, नो डाउट उनसे भी ज्यादा अच्छा लोग करते होंगे, क्योंकि इंडिया में एक वैरायटी है डांस, वहां से ही आया हुआ है, और लोग मतलब यू नो डिफरेंट स्टाइल के डांस वहां पर करते हैं. बट अगेन मैं ये कहूंगी कि हम लोगों को तो ये देखने का बहुत मजा आया है, और डांस प्लस नो डाउट जो प्रोग्राम है वो भी मैंने देखा हुआ है, उसमें भी अमेजिंग है. आई मीन सब लोग जो डांस करते हैं, और स्पेशली मुझे राघव बहुत अच्छे लगते हैं उसमें, क्योंकि वो काफी फनी है, और यू नो जब वो डांस इंडिया डांस में भी आए थे तो तब भी उन्होंने एक स्टाइल सेट किया था डांस का, कॉकरोच वाला आई थिंक कुछ इस तरह से था, वो स्लो मोशन में डांस करना, तो मतलब मजे की चीज होती है आप किसी भी फॉर्म में डांस करो तो. हाँ, मतलब बोलती जा रही है ना, लेकिन बहुत मजे का शो है, और सबसे अच्छी बात परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इतना ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं.
और इससे क्या फायदा होता है कि आप कंट्री का नहीं। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे 97.7 मिले जो फाइनल परफॉर्मेंस थी, वहाँ पे 100 मिला था। वो तो मुझे पता है, उनमें तो 100 मिला था, लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और नो डाउट मैं तो कहती हूँ कि अगर अभी ये इन्होंने ये चीज रखी है, जैसे हम लोग बचपन से इंडियन शोज देखते आ रहे हैं, जैसे कि शुरू में मुझे डांस इंडिया डांस बहुत अच्छा लगता था, बहुत शौक से देखते थे। फिर एक अभी बच्चों वाला भी एक शो लगा करता था जिसमें शिल्पा शेट्टी की, जिसमें शिल्पा शेट्टी की, हाँ किड्स का था, नहीं सुपर डांसर, हाँ सुपर डांसर वो था। तो आई मीन मैं कहती हूँ बच्चे ही उनसे ना वो ही मान ले, हाँ मतलब इतना ज्यादा टैलेंट है इस चीज का। और उसके अलावा जो है मैं क्या बात करने लगा, अच्छा अभी भी मेरे फ्लो में आप भूल गए, नहीं 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 सीरीज में भूल गया, मैं सीरीज में भूल गया, मैं कुछ और सोचने लग रहा था, हो चुके हैं आप, बूढ़े हो चुके हैं, आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, गजनी बन गया, मैं गजनी बन गया हूं। हमारी आज की वीडियो, एंड आई होप कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो मौजम को पॉइंट याद आ रहे, ताकि मौजम को ये फील ना हो कि मैंने बात नहीं की। आ गया यार, ओ थैंक गॉड। लास्ट टाइम जो है मैंने कहा था $1 million का जो है वो रिवॉर्ड है, लेकिन काफी लोगों ने कमेंट करके कहा कि 1 million नहीं, $10 million से। वाओ, इतना रातों रात अमीर हो गए ना, लेकिन फिर उस पर टैक्स वगैरह भी कटा होगा काफी ज्यादा ना उसका, बड़ा क्या पता वहीं पे सेटल हो गए। Once again, congratulations to the team, the kings, and इसी के साथ हम चाहेंगे इजाजत, और हमें दें इजाजत, हाँ, हमारी वीडियोस को करें लाइक, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, हमारी वीडियोस को करें शेयर, and keep us in your prayer, till then, goodbye.